तैतीस साल की उम्र में मैंने सिक्स पैक एब्स क्यों बनाए और उसके चलते मेरी जिंदगी कैसे बदल गई <laughs> जानेंगे इस वीडियो में मुझे पता आप ये लोग सोच रहे होंगे यार ये रणवीर ना बहुत सालों पहले करता था आप 40 साल की उम्र में आप फिजिकल फिटनेस बाइस एप सिक्स पैक एप्स के बारे में बात कर रहे हैं आपकी उम्र हो चुकी है आप अपने उम्र का थोड़ा सा तकाजा करते हुए जिस बातों पे बात करते हैं उसी पे करिए लेकिन ये स्टोरी एक पर्सनल और एक बहुत ही डीपली इमोशनल स्टोरी है मेरे लिए एंड आई वॉन्ट टू शेयर विद यू क्योंकि इस स्टोरी के चलते मैं बहुत कुछ सीखा हूँ इस एक्सपीरियंस ने मुझे इतना कुछ सिखाया है एंड आई वॉन्ट टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू तो मैं ले जाऊँगा आपको दो हज़ार बारह में दो हज़ार बारह में मेरी उम्र बत्तीस साल की थी और मैं उस वक्त पर ऐसा दिखता था मैं करीब नब्बे किलो का था मैं कभी सुबह वो नहीं उठता था मैं छोले भटूरे खा खा के समोसे खा खा के चाट पापड़ी खा खा के मैगी खा खा के काफी संतुष्ट हो चुका था लाइफ में और ना मैंने जिंदगी में कभी वर्कआउट किया था जिम से मैं कोसों दूर रहता था बहुत ही खराब ईटिंग हैबिट्स बहुत ही खराब स्लीपिंग हैबिट्स अपनी बॉडी को मैंने बेसिकली अब्यूज़ किया था और जब कभी भी आप अपनी बॉडी को अब्यूज़ करते हैं तो शुरू शुरू में तो आपको पता चलता नहीं है क्योंकि आप अपने ट्वेंटीज में हैं तो इतना ज़्यादा हार्मोन हमारे एक्टिव होते हैं कि कुछ ना कुछ करके हम आगे बढ़ते रहते हैं लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं इट हिटिंग यू तो मुझे याद है एक दिन आउट ऑफ द ब्लू मैंने बोला आज से मैं एक्सरसाइज करूँगा जो साल में एक दो बार हो ही जाता है हम सबके साथ तो मैंने जी पार्क में मैं गया और मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू करी कुछ टांगों को इधर उधर करने के लिए 90 किलो का कोई कुछ होने तो वाला नहीं था मेरा लेकिन आई थिंक मैंने अपनी एक्साइटमेंट में कुछ तो ऐसा किया जिसकी वजह से अगले तीन चार दिन में मुझे अपने हिप बोन में दर्द होनी शुरू हो गई शुरू शुरू में तो नॉर्मल सी दर्द थी तो मुझे लगा पता नहीं कुछ ऐसे इधर कुछ हो गया होगा दवाई ले ली ठीक हो गया लेकिन धीरे 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 चलते विद इन टू वीक्स वो दर्द इतनी ज़्यादा तेज हो चुकी थी कि मैं चल भी नहीं पा रहा था मैं लंगड़ाते हुए चल रहा था जब भी चल रहा था इंटेंस दर्द हो रही थी रात को सो नहीं पाता था तो हॉट वाटर बॉटल लेके ये सब करके एंड देन इट वॉज वेरी क्लियर कि कुछ तो बिगड़ गया है एंड आई हैव टू गो टू द डॉक्टर तो हम डॉक्टर के पास गए डॉक्टर को उसने कुछ टेस्ट वेस्ट कराया कि आप अपना स्लिप डिस्क का कुछ करवा दीजिए यहाँ स्पाइन का कुछ टेस्ट बैक का कोई ये सब वगैरह वगैरह वो सब कराया लेकिन कुछ निकला नहीं एंड देन आफ्टर दैट द डॉक्टर वॉज लाइक कि आप ना एक हिप एम करवा लीजिए तो हिप एम मैंने करवाया और उसको करवाने के बाद ये पता चला कि मुझे एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम था ए वैस्कुलर नेक्रोसिस ए वी एन ए वी एन को गूगल पे मत सर्च करिएगा क्योंकि पहला रिजल्ट आएगा एडल्ट वीडियो नेटवर्क जो कि आप कम से कम पब्लिकली तो नहीं देखना चाहते तो एवियन या एस वैस्कुलर नेक्रोसिस बहुत ही अजीब सी बीमारी है ये करीब दस लाख लोगों में से एक इंसान को होती है और ये बीमारी तीन रीजन से होती है एक कि आप बहुत एक्सेसिवली स्मोक करते हैं दूसरा आप बहुत एक्सेसिवली ड्रिंक करते हैं या तीसरा आपने बहुत सारे स्टेरॉयड्स लिए हुए हैं ये तीनों चीज़ें मेरे पर लागू नहीं होती थी क्योंकि मैं ना ड्रिंक करता हूँ ना स्मोक करता हूँ स्टेरॉयड से मैं दूर दूर तक कभी मेल ही नहीं खाया तो एक चौथा कंडीशन होता है विच इज की ये डायग्नोस नहीं है क्यों हुआ है एंड दैट इज वेयर आई लाइट मेंट डॉक्टरों को यह नहीं पता था कि मुझे ए नेक्रोसिस क्यों हुआ है लेकिन इस बीमारी में होता क्या है इस बीमारी में जो हमारी हिप बोन है जो मेरे राइट हैंड साइड की हिप बोन थी उस पर खून पहुंचना बंद हो जाता है एंड इसकी वजह से जो हिप बोन है वो मरने लगती है एंड क्योंकि अपनी हिप बोन पे आपके पूरी बॉडी का वेट होता है तो आपकी वो बॉडी की वेट अब वो ले नहीं पाती एंड इसकी वजह से आप चल नहीं पाते सो आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर वो दिन जब डॉक्टर को पता चला कि मुझे ए वैस्कुलर नेक्रोसिस या ए वी एन हुआ है उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पे बड़ा बड़ा लिखा स्टॉप वॉकिंग इमिडिएटली आप चलना बंद कर दीजिए अगर आप चलते भी हैं तो प्लीज़ क्रचेस का सहारा लीजिए क्योंकि हमें नहीं पता कि आपके हिप बोन को कितना डैमेज हुआ है और खुदा ना खास्ता अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया होगा तो उस डैमेज को रोकना होगा इसको हमें फिक्स करना है फिक्स करने के दो तरीके एक तो दवाई लेते दीजिए दवाई लेते रहिए और होप करिए कि वो ठीक हो जाए क्यों क्योंकि आपको पता नहीं है कि, कि किस वजह से आपको ये हुआ है या दूसरा ऑपरेशन ऑपरेशन का नाम है कोर डी कम्प्रेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऑपरेशन होता है जो हमारी काफ बोन होती है जो हमारी टांगों में जो बोन होती है उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा लिया जाता है करीब एक इंच तो कैप्सूल जितना उसको ग्राइंड किया जाता है फिर हिप बोन में दो छेद ड्रिल किए जाते हैं और उन छेद में इस पाउडर को डाला जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ वन टू टू ईर्स हिप बोन हील हो जाती है एंड दैट इज हाउ यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द डी ऑफ द हिप बोन आई डोंट नो वॉट आई वॉज थिंकिंग बट आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे ऑपरेशन करवाना है क्योंकि आई डेंट वॉन्ट टू हैव मेडिसिन एंड उसके बाद फिर हिप रिप्लेसमेंट कराओ विच हैव बिन द केस अगर ये काम नहीं करे तो आई वॉज़ लाइक ऑपरेशन करो आगे बढ़ो एक दो साल का इम्पैक्ट है आई विल बेर इट दैट्स परफेक्टली फाइन उस समय पे काफ़ी हिट हुआ था क्योंकि दिस मेंट कि ऑपरेशन के बाद एक से दो महीने मुझे बेड रेस्ट करना होगा मैं नहीं चल सकता और उसके बाद पाँच से छः महीने मुझे क्रचेस के सहारे चलना होगा एंड आई वॉज अ वेरी एक्टिव पर्सन तो उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा एक जोठ लगा था बट आई वॉज़ लाइक नहीं करना है तो करना है आगे बढ़िए ऑपरेशन हुआ वो दो महीने का बेड रेस्ट वो तीन चार पाँच छः महीने का क्रचिस पे सहारे चलना एंड आई रिमेंबर जनवरी की बात है 2013 की एंड मैंने एक फ्लाइट ली हुई थी अभी भी मैं क्रचेस पे चल रहा था लेकिन धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया था और फ्लाइट पे मैं काफ़ी कुछ अपने बारे में सोचता हूँ ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ क्योंकि इतना वक्त मिलता है फ़ोन वोन नहीं होता है तो कहीं डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होता इंसान एंड आई वॉज थिंकिंग टू माई सेल्फ कि जिंदगी ने मुझे चलने से मना कर दिया था तो मैं ऐसा क्या बोल सकता हूँ जिंदगी को वापस जिससे जिंदगी को पता चले कि ये चैप्टर मेरी जिंदगी में खत्म हो चुका है बहुत बार जिंदगी बोल दिया मैंने बट बेसिकली आई वॉन्टेड टू से समथिंग विच टोल्ड लाइफ कि यार ये जिंदगी का चैप्टर खत्म अब आगे बढ़ो एंड आई इन दैट मोमेंट ऑफ क्रेजीनेस सेड कि जिंदगी ने अगर मुझे चलने से मना किया तो मैं जिंदगी को जवाब दूंगा कर. तैयारी तो मैं करूंगा मैंने अपने डॉक्टर को नहीं बताया क्योंकि मुझे पूरा यकीन था अगर डॉक्टर को बताऊंगा तो बोलूंगा तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा अभी अभी एवीएन का ऑपरेशन हुआ है आई कांट allow यू टू रन लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रेडी हूँ मैं उस समय पे 90 किलो से ज़्यादा हो चुका था क्योंकि काफ़ी महीनों तक कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हुई थी मैं ज़िंदगी में कभी जल्दी नहीं उठा था मैं बहुत ही लथार्जिक था एंड मुझे भागना बिल्कुल भी पसंद नहीं था मुझे इनफैक्ट आज तक भागना पसंद नहीं है मुझे मुझे समझ नहीं आता कि लोग भागते क्यों हैं भागने से क्या होता है चल लो एक्सरसाइज कर लो भाग क्यों रहे हो रहेनी anyway, तो मुझे भागना बिल्कुल पसंद नहीं था एंड दिस मैराथन मेंट कि मुझे अब ट्रेनिंग करनी पड़ेगी नॉट जस्ट ट्रेनिंग टू रन द मैराथन बट ट्रेनिंग टू लूज वेट ट्रेनिंग टू गेट फिट ट्रेनिंग टू लर्न हाउ टू रन एंड देन ऑफकोर्स लर्न हाउ टू रन द तो वो शुरू किया जिम गया पहला एक महीना इट वॉज इंटेंस पेन क्योंकि ऑपरेशन का दर्द कभी जिंदगी में भागा नहीं था नब्बे किलो का वजन लेके भाग रहा था इट वॉज ब्रूटल मैं मुश्किल से 100-200 मीटर भाग पा रहा था और उसके बाद ऐसा हाफता था ऐसा हाफता था कि जैसे पूरा पानी के अंदर हूं और सांस नहीं ले पा रहा धीरे 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 करके दोस्त हंड्रेड मीटर्स बिकेम 500 हंड्रेड मीटर्स दोस्त फाइव हंड्रेड मीटर्स बिकेम वन किलोमीटर एंड आई रिमेंबर कि उस मैराथन से पहले मैंने कभी भी 21 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच नहीं भागा था इवन इन माई प्रैक्टिस द मैक्सिमम दैट हैड रन वॉज फोर्टीन किलोमीटर्स बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं उस दिन पे 21 भागकर इस मैराथन को कंप्लीट कर पाऊंगा अगर आपने मैराथन में कभी हिस्सा लिया है या जानते हैं तो इस मैराथन को कंप्लीट करने के लिए आपको तीन घंटे मिलते हैं विच मीनस 21 वन किलोमीटर्स इन थ्री आवर्स या सात किलोमीटर पर आवर सात किलोमीटर पर आर तो ब्रिस्क वॉकिंग होती है मतलब अगर आप तेजी से भी चलेंगे भागना भी नहीं है तो आप इस मैराथन को कंप्लीट कर सकते हैं तो मैंने उस दिन अपना भागना शुरू किया बहुत ही इमोशनल मोमेंट था क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया था कि इस मैराथन को मैं कंप्लीट करूंगा एंड आई विल टेल लाइफ दैट आई हैव गॉन थ्रू दिस चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज ओवर फॉर मी भागा बहुत सारी फोटो ली, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर चौदह किलोमीटर का जब हाफ पॉइंट आया तो बहुत ही इमोशनल सा मोमेंट था बिकॉज देन आई न्यू कि अब तो मैं कंप्लीट कर लूंगा क्योंकि चौदह तो मैं भाग चुका था एंड दो घंटे चालीस मिनट में मैंने इस इक्कीस किलोमीटर को पूरा किया बट आई डेंट फील दैट हैप्पी मुझे इनफैक्ट ऐसा लगा कि मैंने चीटिंग करी है और मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मुझे लगा कि यार इससे पहले तो मैंने कभी 21 किलोमीटर भागे ही नहीं थे आज की डेट में मैं उठा 21 किलोमीटर भाग लिया और वो इसलिए भाग लिया क्योंकि तीन घंटे मिलते हैं तो कभी थोड़ा चल लिया कभी भाग लिया ये सब कर लिया तो इट ऑलमोस्ट फेट लाइक कि अगर मैं पिछले चार पाँच महीने से जो ट्रेनिंग कर रहा था वो अगर ना भी करता और रैंडमली 90 किलो के साथ एक दिन पहुंच जाता चिप्स का पैकेट लेके कोक का कैन लेके तो मैं तब भी तीन घंटे के अंदर अंदर इस 21 किलोमीटर को पूरा कर लेता एंड दैट इज व्हेन आई आस्क माइ से दिस क्वेश्चन यार ये तो एक तरीके की चीटिंग है सो इज देर एनी थिंगट आई कैन डू वेर आई कॉन्ट चीट कोई ऐसी चीज है जिसके लिए मैं कमिट कर सकता हूं वेयर आई कॉन्ट जस्ट वन डे शो अप और वो चीज़ हो गई होगी। आई विल एक्चुअली हैव टू डू समथिंग एवरी सिंगल डे। हर एक दिन पूरी शिद्दत के साथ मुझे कुछ ना कुछ कमिट करना पड़ेगा और तभी जाके किसी एक दिन पर उस चीज को मैं हासिल कर पाऊंगा दैट इज वेन एट द एज ऑफ थर्टी थ्री आई डिसाइडेड आई एम गोइंग टू गेट सिक्स पैक एप्स मैंने अपने आप को पाँच महीने दिए कोई बेसिस नहीं था इन पाँच महीनों का थोड़ा बहुत ट्रेनिंग की वजह से चलने की वजह से आई हैड नाउ गॉटन टू अबाउट एट्टी सिक्स के लेकिन सिक्स पैक एप्स एक बहुत ही अलग गेम होती है क्योंकि उसमें आपको अपना फैट पूरा काटना होता है उस समय पे मेरा बॉडी फैट रेशियो जो कि बेसिकली आपकी बॉडी के वेट में कितना वेट फैट है वो था अराउंड ट्वेंटी सिक्स परसेंट सिक्स पैक एप्स लाने के लिए आपका बॉडी फैट रेशियो होना चाहिए लेस देन टेन परसेंट तो इट वाज अ लॉट ऑफ वर्क दैट आई टू डू और मेरे ऑफिस में उस समय पे एक कॉलीग थे अजय सिंह वो काफ़ी फिट थे अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखते थे एंड ही ऑफर्ड टू हेल्प मी तो अजय ने एक पूरा डाइट प्लान बनाया एक पूरा एक्सरसाइज रिजीम बनाई एंड ही सेट कि आप इसको फॉलो करना शुरू करिए द बिगेस्ट चेंज वॉज हेयर क्योंकि पहले महीने तो हालत खराब हो गई डाइट पूरा चेंज करना था इट हैड टू बिकम अ प्रोटीन रिच डाइट कोई चीनी नहीं कोई फैट फूड नहीं वो सारी चीज़ें जो मुझे पसंद थी जो आज भी मुझे पसंद है वो कुछ भी नहीं खा सकता था सैलेड्स पर रोटी दाल मैं वेजिटेरियन हूँ तो ऐसा भी नहीं कि चिकन विकन खा के अपना प्रोटीन बना सकता हूँ तो दालें बहुत सारी बहुत सारा पनीर बहुत सारे नट्स इंटेंस वर्कआउट कार्डियो नहीं करना है वेट ट्रेनिंग करनी है तो वेट्स उठाने हैं बॉडी हर तरफ एक करती थी इट ऑलमोस्ट यूज टू बी पर्पेचुअली इन पेन एंड आफ्टर वन मंथ आई वॉज ऑलमोस्ट रेडी टू गिव अप एंड उस पॉइंट पे अजय सिंह ने मेरे साथ एक वीडियो शेयर किया एंड उस वीडियो में एक पॉइंट ऐसा था विच बेसिकली सैड दैट इट इज नॉट द पर्सन विद द मोस्ट टैलेंट और केपेबिलिटी दैट मीन्स बट द वन विद द मोस्ट परसिवियरेंस दैट मीन्स जो इंसान में सबसे ज्यादा क्षमता है सबसे ज्यादा बुद्धि है जरूरी नहीं है वो इंसान जीतेगा पर वो इंसान हमेशा जीतता है जो हमेशा लगा रहता है परसिवियरेंस एंड दैट अपलिफ्टेड मी इस वीडियो को देख के पता नहीं एक अलग सी एनर्जी आती थी इन एवरी डे वाइल गोइंग टू ऑफिस आई यूज टू वॉच दिस वीडियो एंड इट जस्ट चेंज द इक्वेजन फॉर मी बहुत फाइट मार के बहुत ज़्यादा ही मेहनत करके अपना पूरा डाइट चेंज करके सुबह उठ कर काम से पहले वर्कआउट करना फिर अच्छी सी डाइट करना समय पर सोना समय पर उठना एवरीथिंग हैपेंड एंड स्लोली एंड स्टडीली आई गॉट टू द बॉडी फैट परसेंटेज और फिर लास्ट के दो हफ्ते में आई वॉन्ट टू रियली स्ट्रेच माई सेल्फ उस समय पर जो uh, आपके पेट का जो फ्लैब होता है ना टूवर्ड्स अ सर्टन बॉडी फैट वो फैट नहीं होता है वो पानी होता है एंड उस पानी को स्क्वीज करने के लिए आपको वो सारी चीज़ें अपनी बॉडी से निकालनी होती हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं एंड सबसे बड़ी चीज जो आपके पानी को एब्जॉर्ब करती हैं आपकी बॉडी में वो होता है नमक तो फॉर द लास्ट टू वीक्स आई एक्चुअली स्टॉप्ट ऑल सॉल्ट विच इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय द वे एंड आई वुड नॉट इनकरेज यू टू डू दैट क्योंकि जब आप अपनी बॉडी से पानी निकालना शुरू कर देते हैं तो ऑल द मशीनरी सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो स्टूल होता है जो आप सुबह टॉयलेट करते हैं दैट बिकम्स हार्ड और आप कॉन्स्टिपेटेड होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपका जो स्टूल है वो पानी के बिना इतना ज्यादा फ्लूड नहीं होता है जितना उसको होना चाहिए बट आई वॉन्टेड टू गेट टू दैट लास्ट माइल एंड आई डेट दैट And I was so happy with myself, so proud of this achievement, that I wanted to capture that. And I actually went for a photo shoot, which was very unnatural for me, but I did that, and you can see it on screen—my photo shoot, which shows my six-pack abs, shows all the work that I had done. But the most important thing that I realized from this experience, which is what I wanted to share with you, is that after that, I have remained committed to being fit all my life. मुझे ऐसा लगता है कि 33 साल की उम्र में मुझे एक नया जीवन मिला एक ऐसा जीवन जो पिछले तैंतीस सालों से मैंने अपनी बॉडी को अब्यूज़ करके रखा था मैं उसकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करता था जो भी कुछ खाने का मन है खा लो जब कभी भी सोना है सो लो जब कभी भी उठना है उठ लो गंदी गंदी आदतें एवरी थिंग दैट जस्ट फिजिकली एंड इमोशनली एंड मेंटली डैमेज माई बॉडी माई माइंड लेकिन जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया द बिगेस्ट थिंग आई रियलाइज वॉज कि कोई भी आपको ना एक फिट बॉडी गिफ्ट नहीं कर सकता आप एक फिट बॉडी खरीद नहीं सकते आप रातों रात एक फिट बॉडी नहीं हासिल कर सकते अगर आप फिट हैं देन इट इज ओनली बिकॉज यू हैव वर्कड टूवर्ड्स इट आप किसी को भी उसका क्रेडिट नहीं दे सकते कोई भी आपसे उस चीज का क्रेडिट छीन नहीं सकता दिस इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट यू कैन गिव योर क्योंकि अगर आप फिट हैं, अगर आप सही खाते हैं अगर आप सही वक्त पर सोते हैं सही वक्त पर उठते हैं अपने बॉडी का ध्यान रखते हैं अपने माइंड का ध्यान रखते हैं देन दैट सेट्स यू अप फॉर लाइफ आप वो हर एक चीज कर सकते हैं जो आपको करनी है वो हर एक चीज कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं हर एक चीज करने की आपके पास एक एनर्जी होती है विच इज अनप्रेसिडेंटेड अनएक्सप्लेन एंड दिस इज द बिगेस्ट 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 थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर बहुत मुश्किल होता है लेकिन जब कभी आदत पड़ जाए तो उस आदत से निकलना और भी मुश्किल होता है सो इफ इन एनी वे डोंट वेस्ट फॉर द डोंट वेट फॉर द फर्स्ट ऑफ जनवरी डोंट वेट फॉर अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन डोंट वेट फॉर सम पीरियड सम डे एंड अनफॉर्चुनेटली डोंट वेट फॉर अ बैड एक्सीडेंट जैसे मेरे साथ हुआ फॉर यू टू रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट दैट इज जितना आप अपनी जिंदगी को राइट right ट्रैक पे ला सकते हैं बाय बीइंग फिट बाय कमिटिंग योरसेल्फ टू अ फिजिकली फिट अ मेंटली फिट एंड इमोशनली फिट लाइफस्टाइल दैट विल बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ सारे जो मैंने डाइट प्लान शेयर करे थे सॉरी यूज करे थे जो भी मेरा एक्सरसाइज प्लान था वो सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी हैं प्लीज़ उसको आप जितना यूज कर सकते हैं करिए फ्रीली शाह भी शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं माई होप थ्रू दिस वीडियो इज टू हेल्प यू सी हाउ आई ट्रांसफॉर्म माई लाइफ एंड गॉट अ न्यू लाइफ विच हैज कंप्लीटली चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी एंड हाउ यू कैन गेट दैट टू हम कुरबारी को साइनिंग ऑफ सब्सक्राइब करना ना भूलें हर हफ्ते में पर्सनल फाइनेंस स्टार्टअप और करियर में एजुकेशन पर वीडियो बनाता हूँ तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा